ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हो आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही।
नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। जब चूमता है सागर को ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमता है अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को बाहों में बसने को दिल मेरा लल जाए कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। तपती किरने जब गालों को छू जाए ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरने जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को हाथों की नरमी को मेरा मन तरसाए कोई तो छू जाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए छम छम करता सावन बूंदों के पान चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल मेरा तड़पाए ख्वाब जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। ला 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 ला। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। लगता नहीं
हाँ यही प्यार है। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं, ओ, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है। हाँ यही प्यार है। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं, प्रेमी ऐसे ही क्या पतझर में भी मिलते हैं। यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। हाँ यही प्यार है। क्या यही प्यार है। हाँ यही प्यार है। ओ मेरे दिल के चैन
शहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, शहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाय ऐसे न आए बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आंखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
पास आती नहीं, होठों के तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जैसे है तू तस्वीर जैसे कोई, तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर दिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। सुनता उसको जल जाना होता है, हर
हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ फर्कों में डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से, रहे कोई सौ फर्कों में डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से, जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, हसीना से यूं मुलाकात हो
जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो जाने हयात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई वो यहीं पर है ऐसे नहीं बताऊंगा तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जा खूबसूरत बात ये चार पल का साथ ये सारी उम्र मुझको रहे बात ये चार पल का साथ ये सारी उम्र मुझको रहेगा या मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर वो मेरे साथ हो गई एक अजनबी ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए बसी खुशबू तेरी ये तेरे प्यार की है जादू तेरी तेरी आवाज है हवाओं में प्यार का रंग है फिजाओं में धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए क्या कहूँ के शर्म से है लब सिले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए
के मैं बाहों में के हजार दीप हैं जले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए ये गिला है आपकी निगाहों से फूल भी हो गर्मियां तो फासले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए अगर तुम न होते अगर तुम
अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। टीना और मीना एक छोटे से गांव में रहते थे। टीना बहुत ही अमीर परिवार से थी। उसके पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ हर दिन किसी न किसी किटी पार्टी में बिजी रहती थी। दोनों टीना पर ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से टीना को भी अपने पैसों पर बहुत ही घमंड था। तो दूसरी तरफ मीना गरीब परिवार से थी, लेकिन उसे इस बात का कभी भी अफसोस नहीं था। वो हमेशा खुश रहती थी। मीना के पापा एक फैक्ट्री में वर्कर थे और उसकी मम्मी लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती थी। मीना, मेरे मम्मी पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। एक काम कर, आज स्कूल के बाद तू मेरे घर चलना, हम वहीं पर अपना होमवर्क खत्म करेंगे और बाद में खेलेंगे। ठीक है टीना। वैसे भी मम्मी पापा के काम पे चले जाने के बाद मैं घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ, तो ये अच्छा रहेगा, मैं तुम्हारे साथ घर आ जाऊंगी। फिर टीना और मीना दोनों स्कूल साथ जाते हैं। स्कूल में टीना एक भी मौका नहीं छोड़ती लोगों को नीचा दिखाने का। कभी वो नए बुक्स लाती तो कभी नया पेंसिल और रबर लेकर आती। सब स्कूल में टीना से जलते थे, इसलिए मीना के अलावा कोई भी टीना से स्कूल में ठीक से बात तक नहीं करता था। मीना में एक खास बात थी कि मीना का ड्राइंग शुरू से ही बहुत ही अच्छा था। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। एक दिन मीना टीना के घर आई। आंटी, टीना घर पर है क्या? हम रोज हर दिन साथ में शाम को खेलने जाते हैं। आज वो आई नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद उसे जाकर देखाऊं। तू तो वही गरीब मीना है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर के बच्चों को अपने दोस्ती के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठते हो। टीना घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। और सुन लड़की, आज के बाद खबरदार जो तुम यहाँ आई, और मेरी बेटी टीना से दूर ही रहना। टीना की माँ की बातें सुनकर मीना बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। टीना की मम्मी को मेरा उनके घर जाना पसंद नहीं, इसलिए आज के बाद मैं कभी भी उनके घर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर मीना गार्डन में चली जाती है। फिर वहाँ एक बेंच पर बैठ जाती है और यहाँ वहाँ सबको देखने लगती है। और तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, तो वो देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंसिल जमीन पर गिरी होती है। मीना उसे उठाती है और सोचती है, अरे ये पेंसिल कितनी खूबसूरत है, पर न जाने किसकी है, चलो पूछती हूँ। अरे ये पेंसिल किसकी है? सुनो, क्या ये पेंसिल तुम्हारी है? अच्छा आंटी, क्या ये पेंसिल आपकी है क्या? सबसे पूछ लिया, पर ये पेंसिल तो किसी की नहीं है। क्यों ना इस पेंसिल को मैं ही रख लूं? कितनी सुंदर पेंसिल है ये। वैसे भी ये मुझको मिली है ना, तो अब से ये मेरी है। फिर मीना उस पेंसिल को अपने साथ घर ले आती है। बचपन से मीना की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए मीना उस पेंसिल से भी कुछ बनाना शुरू करती है। मुझे संतरे बहुत पसंद है, कोई खाने के लिए तो नहीं देता, कम से कम उसकी तस्वीर ही बनाकर देख लेती हूँ। ऐसा सोचकर मीना एक संतरे की टोकरी बनाती है और काफी रात होने की वजह से वो उस ड्राइंग को पूरा बनाकर सो जाती है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बगल में कुछ तो है। अरे वाह, संतरा, ये कहाँ से आया? जरूर माँ लेकर आई होगी मेरे लिए। माँ, तुम संतरे लेकर आई हो क्या? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया माँ। फिर अगले दिन
स्कूल से घर आने के बाद वो सोचती है कि उस पेंसिल से सुंदर सा ड्रेस बनाए। फिर ऐसा सोचकर वो एक ड्रेस बनाती है। फिर उसे बनाकर वो शाम को खेलने चली जाती है। जब वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस रखा हुआ है। उसे देखकर मीना बहुत बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितना सुंदर सा ड्रेस है। मैंने कुछ दिन पहले पापा से कहा था कि मुझे एक नया ड्रेस चाहिए, जरूर वो मेरे लिए लेकर आए होंगे। ऐसा सोचकर वो उस ड्रेस को अपने पास रख लेती है। फिर कुछ दिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कभी वो पेंसिल, स्लेट, किताब, रबर, ऐसी तरह तरह की चीजें बनाती और अगले दिन वो उसके बिस्तर पर होती। ये सब देखकर मीना बहुत खुश होती है। फिर एक दिन उसकी माँ मीना के कमरे में आती है और सारी चीजें देखकर उसे पूछती है, अरे मीना, ये सब नई नई चीजें तुम्हारे पास कहाँ से आई? माँ, अच्छा मजाक करती हैं आप। ये सब तो आपने और पापा ने ही तो लाकर दिया था मुझे, और अभी आप मुझसे पूछ रही हो कि कहाँ से आया। मैंने तो लेकिन कुछ भी नहीं लाया तुम्हारे लिए, कभी भी नहीं। ये सब सुनने के बाद मीना चौंक जाती है। थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है कि जब उसकी माँ और पापा ये सब नहीं लाए तो ये सारी चीजें आई कहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद मीना को याद आता है कि वो झट से अपना ड्राइंग बुक निकालती है और उससे खोल के शुरू से देखती है, जिसे वो देखकर काफी हैरान हो जाती है। माँ, अब मैं समझी ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं। ये देखिए माँ, पहले मैं इस ड्राइंग बुक में संतरे की टोकरी बनाई थी और दूसरे दिन फिर संतरे की टोकरी मेरी बाजू में पड़ी थी। मुझे लगा आप मेरे लिए लेकर आई हैं, क्योंकि मुझे संतरे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने ये ड्रेस बनाई, फिर मेरे पास ये ड्रेस आ गई। मुझे लगा कि कुछ दिन पहले मैंने पापा से कहा था तो वो मेरे लिए लेकर आए हैं। फिर मैंने इस ड्राइंग बुक पे जो भी चीजें बनाई है वो सब मेरे पास आ गई। मुझे लगता है माँ, ये जादुई पेंसिल है जिसे मैं जो भी चीजें बनाती हूँ वो सच हो जाती है और मेरे सामने आ जाती है। जादुई पेंसिल? ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं ये सब नहीं मानती, जरूर तुमने कोई शरारत की है। अब सच सच बताओ, ये सारी महंगी चीजें तुम कहाँ से लेकर आई हो? माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ये पेंसिल पार्क में गिरी मिली। मैंने सबसे पूछा कि ये पेंसिल किसकी है, लेकिन वो किसी की नहीं थी, इसलिए इसे मैं अपने साथ लेकर आ गई। अभी पता चल जाएगा कि ये पेंसिल जादुई है या नहीं। अभी मैं इस पेंसिल से कोई खाने की चीज बनाती हूँ। फिर ऐसा कहकर मीना एक बाउल में गुलाब जामुन की ड्राइंग बनाती है और अगले 5 मिनट में गुलाब जामुन का बॉल मीना और उसकी माँ के सामने आ जाता है, जिसे देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये पेंसिल कोई मामूली पेंसिल नहीं बल्कि जादुई पेंसिल है। माँ, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब जादुई पेंसिल की वजह से हुआ है। हाँ हाँ मीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये पेंसिल तो सच में जादुई है। फिर मीना उस जादुई पेंसिल से पहले बहुत सारी खाने की चीजें बनाती है और उसके बाद बहुत सारी ड्रेस और साड़ी भी बनाती है, जो कुछ ही वक्त में मीना के सामने आ जाती है। दोनों बहुत खुश हो जाती है। मीना, ये तो सच में कमाल हो गया। लेकिन बेटी, अभी घर का राशन खत्म हो गया है, मुझे बाजार जाकर लाना है। अरे माँ, आप भूल गई, हमारे पास जादुई पेंसिल है। फिर आपको बाजार से कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सब ड्राइंग बुक में बनाती हूँ। फिर मीना ड्राइंग बुक पे सारा राशन का सामान बना लेती है और वो तुरंत दोनों के सामने आ जाता है। ये सिलसिला कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा।
जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती मीना तुरंत उस जादुई पेंसिल से बना लेती। ऐसे ही मीना कभी स्कूल बैग तो कभी टिफिन को तो कभी वाटर बॉटल बनाकर स्कूल ले जाती। ये देखकर टीना हैरान हो गई। अरे मीना, आजकल मैं देख रही हूँ कि तू बहुत सारी नई नई चीजें लाने लगी है, तेरी कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? अरे नहीं टीना, वो छुट्टियों में मैं अपने मामा के घर गई थी ना, तो उन्होंने ही मुझे सब खरीद कर दिया है, और कोई बात नहीं। ठीक है, आज शाम तुम मेरे घर आ जा, हम साथ में खेलेंगे, बहुत दिन हो गए हैं साथ में खेले नहीं। टीना की बातें सुनकर मीना सोचने लगती है कि उसकी माँ ने पिछली बार उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। टीना सुन, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। और फिर टीना सोचने लगती है कि आखिर मीना ने उसके घर आने से मना क्यों कर दिया। फिर वो जाके अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या मेरे पीछे मीना यहाँ घर पर आई थी क्या मुझसे मिलने? हाँ टीना, वो आई तो थी, लेकिन मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं, उसके साथ खेलो ना। तुम्हें क्या जरूरत है उस मीना के साथ खेलने की या उससे दोस्ती करने की? टीना अपनी माँ की बात सुनकर नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ मीना के मन में ख्याल आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ हमारे पास जादुई पेंसिल है, तो क्यों ना हम इससे कोई नया बिजनेस शुरू करें जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाए। तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हम कौन सा बिजनेस करें? माँ हम एक काम करते हैं, हम चूड़ियों का बिजनेस करते हैं। अभी मैं चूड़ियों की तस्वीर बनाती हूँ। फिर मीना बहुत सारी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी चूड़ियों की ड्राइंग्स बनाती है, जिससे कि उसके सामने बहुत सारी चूड़ियां आ जाती है। फिर मीना और उसकी माँ एक छोटी सी दुकान लेकर उसमें चूड़ियों का बिजनेस शुरू करती है और उनकी बिक्री भी अच्छी हो रही होती है। तभी टीना की माँ बाजार से गुजर रही होती है। अरे ये मीना के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जिससे कि उन्होंने चूड़ियों का धंधा भी शुरू कर लिया? पता लगाना पड़ेगा। फिर एक दिन उसे पता चलता है। वो मीना के घर के बाहर खिड़की से देखती है कि मीना चूड़ियों की ड्राइंग बनाती है और कुछ ही वक्त में उसके सामने चूड़ियां आ जाती है। अच्छा तो ये बात है, इस मीना के पास जादुई पेंसिल है, क्यों ना ये पेंसिल मैं इससे ले लूं? फिर मुझे जो चाहिए मैं जादुई पेंसिल से बना सकती हूँ। फिर ऐसा सोचकर टीना की माँ एक दिन मीना की चूड़ियों के दुकान पर जाकर उसकी जादुई पेंसिल चुरा लेती है और उसे चुरा कर अपने घर ले आती है। शाम को जब मीना और उसकी माँ पेंसिल को ढूंढते हैं तो उन्हें वो पेंसिल नहीं मिलती, जिससे कि दोनों बहुत परेशान हो जाती है। माँ पता नहीं मेरी जादुई पेंसिल कहाँ खो गई, अब मैं क्या करूँ? मीना परेशान मत हो, तुम्हारी जादुई पेंसिल तुम्हें जरूर मिल जाएगी। जादुई पेंसिल को चुरा कर टीना की माँ बहुत खुश हो जाती है और उसे ड्राइंग बनाना शुरू करती है। लेकिन जब टीना की माँ किसी भी चीज की तस्वीर बनाती है तो वो उसका उल्टा ही बन जाता है, क्योंकि टीना की माँ की ड्राइंग बहुत ही खराब थी, इसलिए वो जादुई पेंसिल उसके किसी भी काम नहीं आ रही थी। उफ, ये क्या मुसीबत है, मैं तो कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ, क्या फायदा हुआ इसे चुरा कर, समझ नहीं आ रहा इस पेंसिल का मैं क्या करूँ। फिर ऐसा कहकर टीना की माँ लंबा सा नेकलेस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ इस तरह से बन जाता है जैसे कि वो नेकलेस नहीं एक सांप हो, और इस तरह वहाँ पर सांप आ जाता है जिसे देखकर टीना की माँ जोर से चिल्लाती है, अरे बाप रे बचाओ सांप सांप। आवाज सुनकर टीना भी वहाँ आ जाती है और सांप को देखकर वो भी घबरा जाती है। तभी मीना टीना के घर आती है उससे मिलने,
और वो सारा नजारा देखकर चौंक जाती है। फिर वो जल्दी से अंदर से एक कपड़ा लेकर सांप को उसमें पकड़कर बाहर छोड़ देती है। टीना, आंटी, आप दोनों ठीक तो हो ना? ये सांप कहाँ से आ गया आपके घर में? मैं बताती हूँ मीना। माँ, आपने ही मीना की जादुई पेंसिल चुराई थी ना, ताकि आप उससे जो चाहे वो बना सको। लेकिन माँ, आपको इसकी क्या जरूरत थी? हमारे पास तो इतना सब कुछ पहले से ही है। और देखा, आज आपकी लालच की वजह से हमारी जान जाते जाते रह गई। अगर मीना वक्त पर नहीं आती तो न जाने क्या हो जाता। इस तरह टीना की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कोई किसी की चीज तो चुरा सकता है, लेकिन उसकी किस्मत कभी नहीं चुरा सकता।